नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उनकी फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। उनकी फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। वही आपको बता दें कि भारत की पहली बायो साइंस फिल्म है द वैक्सीन वॉर, जिसका ट्रेलर वैक्सीन के विकास के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों के स्ट्रगल को दिखाता है और पर्दे के पीछे की कहानी को हाईलाइट भी करता है। इस फिल्म में अनुपम खेर, नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा और पल्लवी जोशी मुख्य किरदार में होंगे। वही पल्लवी जोशी की अगर हम बात कर ले और आई एम बुद्धा ने इस फिल्म को बनाया है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। इसके साथ ही ट्रेलर में कोरोना के दौर में वैक्सीन बनाने के पीछे के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। फिल्म को पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। इन्होंने ही आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल को भी प्रोड्यूस किया था। वही दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को दुनिया के हर कोने में प्रमोट करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, विदेश में स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा फिल्म मेकर ने टाइम स्क्वायर पर फिल्म का पहला गाना सृष्टि से पहले लॉन्च कर दिया था। बता दें कि इससे पहले विवेक अग्निहोत्री अपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी सुर्खियों में थे। उनके इस फिल्म को लेकर भी काफी विवाद हुआ, लेकिन बावजूद इसके फिल्म हिट हुई। वही फिल्म ने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की। इसके बाद से उनकी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड भी रिलीज की गई। इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया और अब उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज होगी, जिसके लिए दर्शक बेहद उत्सुक और जिज्ञासुक हैं कि भाई कब ये फिल्म रिलीज हो और कब वो थिएटर में जा कर के भारत के साइंटिस्ट की ये जो स्ट्रगल की कहानी है ये बड़े पर्दे पर देखी जाए। विकी कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर आउट हो गया है। जी हाँ, ट्रेलर के सामने आते ही फैंस में फिल्मों को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब दर्शक फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में विकी कौशल बलरामपुर के पुश्तैनी पंडित का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही फिल्म एक कॉमेडी एंटरटेनर है, जिसमें विकी कौशल के साथ मानुषी छिल्लर लीड रोल में दिखाई देंगी। उनके साथ यशपाल शर्मा, मनोज पहावा और कुमुद मिश्रा भी अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं और फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा मजेदार है, जिसकी शुरुआत उसके गाने कन्हैया ट्विटर पर आजा से शुरू होता है, जिसके बाद विकी अपना इंट्रोडक्शन भजन कुमार उर्फ वेद व्यास त्रिपाठी के तौर पर देते हैं। वो खुद को बलरामपुर के पुश्तैनी बताते हैं, जो पूजा पाठ से लेकर भजन कीर्तन भी करवाते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात मानुषी छिल्लर से होती है। फिर एक दिन भजन कुमार को पता चलता है कि वो मुस्लिम है और फिर फिल्म की असल कहानी शुरू होती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आगामी फिल्मों में तुमसे ना हो पाएगा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में आज के युवाओं के सामने मौजूद आधुनिक चुनौतियों का हल्के फुल्के अंदाज में मजेदार ढंग से झलक दिखती है। इसमें हमारे समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ युवाओं की ये दुविधा भी दिखाई देती है कि वो अपना रास्ता बनाकर किसी तरह से अपने सपने को कैसे पूरा करें। ये फिल्म 29 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। तुमसे ना हो पाएगा भारत के युवाओं को दिया जा रहा एक तोहफा और मजाकिया संदेश है। आपको बता दें कि अपने दिल की बात मनाने के लिए हिम्मत जुटाओ और अपनी सफलता को खुद तय करो। इश्क वाक सिंह, महिमा मकवाना और गौरव पांडे, अमला अकनी नेनी और गुरप्रीत सैनी, परमीत सेट्ठी और मेघना मलिक जैसे प्रतिभाशाली कलाकार इस कहानी में जान डाल रहे हैं। जी हाँ, और दर्शकों को बेहद इंतजार है इस सीरीज का। लाइव एक्शन मूवी गॉडजिला माइनस वन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस एक्शन और वीएफएक्स से भरपूर मूवी का डायरेक्शन तमासी यामाजाकी ने किया है। फिल्म में तबाही ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं तबाही के, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया पर पूरी की पूरी फिल्म को बेस्ड दिखाया गया है। वही गॉडजिला माइनस वन के ट्रेलर में एपिक गॉडजिला की वापसी और आइकॉनिक काइजू के खिलाफ जबरदस्त वॉर देखने को मिलेगा।
इसमें रोमांचक सीन्स हैं, साथ ही ये भी दिखाया गया है कि जापान के लोग को वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ ही खुद को विशाल गॉडजिला से भी बचाना पड़ा। तमाशी ने डायरेक्शन और राइटिंग के साथ साथ फिल्म में वीएफएक्स की भी जिम्मेदारी ली है। ये फिल्म जापानी भाषा की 33वीं गॉडजिला मूवी है और कुल मिलाकर फ्रेंचाइजी में 37वीं फिल्म है। 2016 के हिट शिन गॉडजिला के बाद गॉडजिला माइनस वन गॉडजिला को दिखाने वाली पहली लाइव एक्शन जापानी फिल्म है। जापानी फिल्म अमेरिका में 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से बेकरार बैठी है। फिल्म को आईमैक्स 4DX और एमएक्स 4D में रिलीज किया जाएगा। जापान में फिल्म 3 नवंबर 2023 को थिएटर में रिलीज होगा। इसी के साथ ही इसका प्रीमियर 63वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्लोजिंग मूवी के रूप में किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम कोई भी अपना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए।